जिनके गांव बिरोली के पास जिंद रोहतक बाईपास पर मंगलवार दोपहर बाद एक चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। इसमें चालक जिंदा जल गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। गाड़ी के नंबरों से उसकी पहचान हो पाई। मृतक युवक हिसार के गांव बकलाना निवासी अजय है। अजय फिलहाल अपने परिवार के साथ अर्बन स्टेट कॉलोनी जिंद में रहता है। जिंद रोहतक बाईपास पर बिरोली गांव के पास मंगलवार दोपहर को संदिग्ध हालत के चलते एक ब्रेजा गाड़ी में आग लग गई। इसमें चालक जिंदा जल गया। आग लगने की सूचना पाकर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। जब पुलिस ने चालक सीट पर झांक कर देखा तो वहां मानव अवशेष पड़े हुए थे। मृतक के पिता जगबीर ने बताया कि वह रिश्तेदारी में मौत के चलते बाहर गए हुए थे। मंगलवार को अजय के मामा और अन्य रिश्तेदार आए हुए थे। इनको अजय जिंद बस अड्डा पर छोड़ने गया था। अब यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर अजय गाड़ी लेकर गांव बिरोली के पास कैसे गया। मृतक की गाड़ी साइड में खड़ी हुई थी और गाड़ी को हैंड ब्रेक लगाया गया था। लोगों ने गाड़ी को जलते हुए देखा लेकिन आग बुझाने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। मृतक परिवार का इकलौता लड़का था। सदर थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।